यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि विपक्ष ने शिमला शहर के जल संकट का पूरी तरह से राजनीतिकरण किया है। इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विषम हालातों में सभी को सहयोग करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद मुद्दे को जबरन हवा देने की कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि आज जल संकट को लेकर कांग्रेस ओछी राजनीति कर रही है। कांग्रेस जल संकट पर सवाल उठाने से पहले शिमला में फैले पीलिया के दिन याद दिलाए जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार शिमला शहर की जल समस्या का स्थायी समाधान करने का प्लान तैयार कर चुकी है। सीएम ऑफिस में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे दीर्घकालीन योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है जो अगले 50 से 60 सालों तक शिमला शहर में पेयजल सुविधा प्रदान करेगी।